वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं भाई एक और नए व्लॉग पे। और भाई माफ़ी चाहेंगे, पिछले दो दिन से व्लॉग नहीं अपलोड किया था। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि भाई आप सभी लोग होंगे एकदम स्वस्थ और भैया एकदम ज़बरदस्त। तो यार गाइस, कल जो है भैया बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, सब जगह पानी पानी भर गया है, एकदम कीचड़ हो गया है सब जगह। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बारिश कितनी ज़्यादा हुई है और कहाँ कहाँ तक पूरा पानी भर गया है। तो गाइस आइए चलते हैं, दिखाता हूँ अभी आपको। तो यार ये देखिए भाई, इधर साइड पूरा पानी भर गया है। और आइए इधर भी दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये हमारा आने जाने वाला जो रास्ता है पूरा पानी से भर गया है हर तरफ। और ये छोटा सा तालाब है ये भी भर गया है। एंड गाइस यार, अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि भाई खेत में भी पूरा पानी भर गया है, तो उस पानी को हम लोग जनरेटर से निकालेंगे। तो गाइस आइए चलते हैं, अभी खेत में आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यार, फ़िलहाल भैया पहुँच गया हूँ खेत में, क्योंकि यार कल बहुत बम्पर बारिश हुई है और पूरे खेत में पानी भर गया है और पिपरमेंट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो भाई आज पानी निकालना है खेत से, तो इंजन लगा के जैसे पानी लगाया जाता है खेत में, उसी तरीके से भैया पानी निकालना है। तो अभी दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं पानी। तो भाई ये देख लो भाई, ये पूरा खेत है भैया, अपना खेत है, और इसमें भाई देखो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसमें पानी भरा गया होगा इंजन से, मतलब फसल उगाने के लिए, लेकिन भाई ये फसल उगाने के लिए नहीं, ये बारिश की वजह से भरा है। क्योंकि फसल उगाने के लिए जो लगाते हैं पानी, वो अगर सुबह डालो तो शाम को सूख जाता है। और भाई ये खेत थोड़ा नीचे है और ये खेत ऊपर है, तो जो ऊपर से पानी है ये देख लीजिए भाई, बहता हुआ पूरा नीचे जा रहा है इसी खेत में, इस वजह से इसमें और ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो भाई इसको निकालना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से भैया ये देखो भैया इंजन चालू कर दिया है और पानी निकालने की प्रक्रिया चालू कर दी है। और भाई ये देख लो, पाइप जो है ना बहुत दूर हमें ले जाना पड़ा है, क्योंकि भाई अगल बगल सबके खेत हैं। तो आप ये देख लीजिए कितनी दूर से हम लोग पाइप ले गए हैं और ये यहाँ पे डाल रहे हैं, ताकि किसी और का जो है ना वो खेत को भाई नुकसान ना हो पानी की वजह से। और ये देख लीजिए भाई, ऐसे करके किनारे किनारे करके हम लोग इतनी दूर से पाइप लेके आए हैं, और जहाँ पे भाई ये देख लीजिए खाली जगह है, यहाँ पे पानी को निकाला है ताकि भाई किसी और का भी नुकसान ना हो। तो गाइस यार, फिलहाल अभी भैया घर आ गए हैं खेत से पानी वानी निकाल के, और अभी फिलहाल घर में। और भैया ये देखिए जरा, ये ऊपर चढ़ के अपने लिए खाना निकाल रही है, हैं? हैं? कोई तुम्हें खाना नहीं दे पा रहा है? मम्मी से मांगा तो दे ही नहीं रही थी। अच्छा, दे ही नहीं रही थी, तो इतना खा पाओगी ये जो ले रही हो? हैं? इस चम्मच पे खाऊंगी, इस बड़े चम्मच से तो आएगा। अच्छा, हाँ एक निकाला, जल्दी जल्दी निकालो और फिर उसके बाद चलो। कुछ नहीं है, मिर्ची है। मिर्ची? हाँ बस आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। A few hours later. तो यार अभी आए हैं भाई खेत में, ये देख लो जहाँ पे भैया सुबह पानी निकाला गया था। और भाई अभी इतना इतना पानी निकाला गया था, तो धूप भी हुई थी। तो भाई ऐसा है, फिलहाल अभी भी देख लो भाई पानी भरा हुआ है, ये देखिए। बाकी अभी चलते हैं घर, देखने के लिए आए थे। सो यार गाइस, खेत से वापस आके भाई कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, नहा धो लिया था। और भाई अभी टाइम की बात करें तो भैया टाइम हो गया है 12। एंड यार गाइज, आज बारिश हुई थी ना, तो इस वजह से भाई पता नहीं क्या हुआ था, लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो भाई लाइट नहीं आ रही थी, और लाइट मुश्किल से अभी 10-15-20 मिनट हुआ है लाइट को आए हुए,
तो भाई हर तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। तो यार इसीलिए अंधेरे में बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि यार अंधेरा रहता है तो फ्लैश की लाइट में क्या ही वीडियो बनाए, उसमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती, वीडियो में दिखाई भी नहीं देता है। तो इस वजह से भाई जो है ज़्यादा शूट नहीं किया है। और भाई किट्टू भी सो गई है, सब लोग सो गए हैं फिलहाल, जैसे ही लाइट आई है तो मैंने सोचा कि भाई ब्लॉग को एंड कर देते हैं। तो भाई आज के ब्लॉग को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि भाई आप लोगों को वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो अगर भाई वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और भैया अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।